गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि रियलमी ने यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट रखा था, जहां पर रियलमी एक्स थ्री सुपर, जो स्मार्टफोन, रियलमी वॉच, रियलमी पावर बैंक और रियलमी के काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए गए। लेकिन भाई, एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट और देखने को मिला, जो कि था रियलमी 6S। और गाइस, आपको बता दूं, रियलमी 6S एक बहुत ही कमाल का बजट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि यूरोप के अंदर 5 जून से सेल पर चला जाएगा। तो क्या कुछ प्राइस होगी इंडिया में, कब तक लॉन्च होगा, क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिले इस डिवाइस को लेकर, सब कुछ बहुत ही डिटेल में जानेंगे, तो उसके लिए वीडियो को लेकर लास्ट तक देखते रहना। और हाँ, अगर आपको एक गेमिंग फोन खरीदना है वो भी बजट के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेकल पर सियोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो ऑप्शन मिस हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो बात करते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो गाइस, रियलमी 6S की जो डिस्प्ले देखने को मिली है, 6.5 इंच की एक LCD यानी IPS LCD पैनल देखने को मिली है, जो कि फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ आती है। और इंटरेस्टिंग की यहां पर आपको सिंगल पंच होल कटआउट देखने को मिल जाता है इस प्राइस के अंदर। और गाइस, वो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा फोन के, जहां पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलेगा। बट मैं कहूंगा यार, यहां पर आप IPS LCD पैनल ना देकर एक AMOLED डिस्प्ले दो, भले ही हमें 16 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दो ना यार, लेकिन यहां पर आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देते हैं और IPS LCD पैनल मिलती है, जो कि मुझे यार थोड़ा सा डिसपॉइंट जरूर करता है। आप बताओ, आपके क्या विचार है, AMOLED या फिर हाईर रिफ्रेश रेट? और गाइस, Realme ने क्लेम किया है कि डिस्प्ले के अंदर आपको 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है, तो आपको काफी अच्छा स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन फ्रंट साइड से मिलती है, तो डिस्प्ले को लेकर ये फोन मैं कहूंगा अमेजिंग हो जाता है। बाकी अगर Realme 6S के डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और बैक साइड लुक की बात करें, तो ये फोन बिल्कुल Realme के टिपिकल डिजाइन के साथ आता है, जैसा कि आपको बाकी सारे फोन्स मिलते हैं ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ, ग्रेडियंट लुक के साथ, बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलता है, कोई भी बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो यार, मैं कहना चाहूंगा यार, यहां पर आप थोड़ा सा चेंज करो, मतलब थोड़ा सा टेक्सचर वगैरह आपको नया देना चाहिए, बट वही पुराना Realme 6 और 6 Pro जैसा ही टेक्सचर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें इस डिवाइस की मेन हाइलाइटिंग पॉइंट के बारे में, जो कि यार मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा, कि इस प्राइस के अंदर आपको बहुत ही कमाल का यानी MediaTek Helio G90T का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 12nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड एक प्रोसेसर है। तो यहां पर पावर इफिशियंट तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा पावर इफिशियंट नहीं है, बट यहां पर आपको गेमिंग बहुत ही कमाल की देने वाला है और गेमिंग के अंदर ये चिपसेट बहुत ही पावरफुल होने वाला है। और गाइस, यही सेम प्रोसेसर आपको Redmi के Note 8 Pro के अंदर देखने को मिलता है, तो गेमिंग तो लाजवाब देखने को मिलती है, बट थोड़ी सी हीटिंग, मैं कहूंगा थोड़ी सी लॉट ऑफ हीटिंग आपको जरूर देखने को मिल जाती है Redmi Note 8 Pro या जिस भी फोन के अंदर ये लगा है, Realme 6 सीरीज के अंदर भी आपको थोड़ी सी हीटिंग जरूर देखने को मिलती है। तो मैं कहूंगा यार, प्रोसेसर के अंदर थोड़ी हीटिंग तो जरूर होगी, बट गेमिंग बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। साथ में इस डिवाइस के साथ आपको 4GB रैम, 6GB रैम, 8GB रैम ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहां पर LPDDR4X रैम देखने को मिलने वाली है। और भाई, अगर बात करें स्टोरेज की, तो आपको 64GB 128GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात करें इस डिवाइस के सेकंड मेन हाइलाइटिंग पॉइंट के बारे में, जो कि हो जाता है इस डिवाइस का कैमरा, तो यहां पर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा देखने को मिलता है Realme 6S के अंदर। क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बिल्कुल सेम आपको Realme 6 या फिर 6 Pro जैसा ही। लेकिन अगर बात करें कैमरा गिमिक्स की, तो मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि f1.88 अपर्चर पर आता है, और मोस्ट प्रोबेबली यहां पर आपको Samsung का ही सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है f2.3 अपर्चर के साथ में, 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस मिलता है f2.4 अपर्चर के साथ में, और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस मिलता है f2.4 अपर्चर के साथ में। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें, तो फ्रंट में आपको 16 यानी 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, जो कि फोन के पंच होल कटआउट के साथ देखने को मिलता है, बहुत ही कमाल के लुक के साथ ये फोन आता है। सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये डिवाइस बूट करेगा Realme UI के साथ, जो कि बेस्ड होगा Android 10 के साथ। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के बैटरी और चार्जिंग डिपार्टमेंट को लेकर, तो यहां पर आपको 4300mAh यानी 4300mAh की एक लंबी बैटरी देखने को मिलती है। साथ में इस फोन के साथ आपको 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जो कि फ्लैश फास्ट चार्जर होने वाला है। और भाई, इस फोन को आप 100% चार्ज कर पाओगे इस 30W के फास्ट चार्जर से ओनली 55 मिनट में, जो कि ओनली नहीं हो जाता है यार, थोड़ा सा लंबा टाइम है। सिक्योरिटी की बात करें, तो इस फोन के साथ आपको फेस अनलॉक के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि फोन के राइट साइड में होने वाला है। अब ऑब्वियसली यहां पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर ही मिलेगा, बिकॉज यहां पर आपको डिस्प्ले के अंदर IPS LCD पैनल मिलता है, तो यहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कोई चांस बनते ही नहीं है। साथ में इस डिवाइस के साथ आपको USB Type-C, 3.5mm ऑडियो जैक, NFC जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यार, सब कुछ डिपेंड करता है इस स्मार्टफोन के प्राइस पर। तो फाइनली बात करते हैं Realme 6S के प्राइस के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में इंडिया के अंदर। तो गाइस, यूरोप के अंदर जो इसकी प्राइस देखने को मिली है वो है 199 यूरो, तो अगर उससे हम कन्वर्ट कर देना इंडियन रुपीज में, तो वो हो जाता है लगभग 16,500 रुपए के करीब। तो आप घबराइए नहीं, ये 16,500 के करीब नहीं आने वाला है, क्योंकि गाइस, यूरोप की जो प्राइस होती है इंडिया के अंदर वो कम होकर आती है। यूरोप में थोड़े ज्यादा प्राइसिंग के साथ आपको इंडियन रुपीज में देखने को मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये स्मार्टफोन आपको 13,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आप एकदम 100% मान के चलो कि ये स्मार्टफोन 12 से 13,000 के करीब देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। और अगर लॉन्च डेट की बात करें इंडिया के अंदर, तो ऑलरेडी ये डिवाइस यूरोप के अंदर लॉन्च हो चुका है,
तो गाइस बहुत ही जल्दी यानी जून मंथ के अंदर आपको रियलमी एक्स थ्री सीरीज के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा कंफर्म आपको। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये फोन नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना, और क्या आप इस बजट गेमिंग डिवाइस को लेकर इंटरेस्टेड हो सब कुछ नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और आई होप आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई चैनल पे पहली बार आए हो चैनल पे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।